हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नॉट टू मच एंड नॉट टू लिटिल, मींस ना तो बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। उससे पहले हम कुछ क्रिएटिव कॉर्नर की दी गई एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स बनी हुई है जिनको जो कि आपको पहचाननी है कि इनमें से वाइल्ड एनिमल्स कौन से हैं, और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको आपको सर्किल करना है। जैसे कि लॉयन है, टाइगर है, इनको सर्कल करना है, या और भी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको सर्कल करना है। अब हम पढ़ेंगे एक लेसन जिसमें कि एक स्टोरी है एक गार्डनर यानी कि माली और एक मंकी के बारे में, जो कि दोस्त बन जाते हैं। और जो गार्डनर होता है वो अपना कुछ काम मंकी के ऊपर छोड़ जाता है करने के लिए, लेकिन उस मंकी की फुलिशनेस यानी मूर्खता की वजह से किस तरह से उसका पूरा काम बिगड़ जाता है वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। बच्चों, ए लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड ए गार्डनर। एक बहुत पुरानी बात है कि एक गार्डनर यानी कि माली था जो गार्डन में प्लांट्स की देखभाल करता है। और गार्डनर वाज वेरी काइंड ओल्ड मैन, वो बहुत ही अच्छा था, दयालु था। उस नेम वाज गोपी, उसका नाम था गोपी। और जब गोपी उसका लंच करता था तो ही गेव मंकीज ए लिटिल फूड, वो वहां पर जो बंदर होते थे उनको भी थोड़ा खाना दे देता था। तब वो उस बड़े से शेडी पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाता था और उससे बात करता था। तो एक दिन द गार्डनर वॉज टॉकिंग टू द मंकी, से एक दिन वो माली बंदर से बात कर रहा था और अचानक से उसने कुछ नॉइस सुनी, शोर सुना, कि समवन शाउटिंग एंड सिंगिंग, कि कोई जो है वो चिल्ला रहा है। शाउटिंग मतलब चिल्ला रहा है बहुत जोर जोर से और गाना गा रहा है। ही लुक्ड आउटसाइड, उसने बाहर की तरफ देखा। क्या देखा? ऑफ द गार्डन वॉल, जो उसके बाकी जो गार्डन की दीवार थी उससे बाहर की तरफ देखा तो उसने देखा ही सॉ ए लार्ज क्राउड ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि वहां पे बहुत सारे आदमी औरत और बच्चों की भीड़ है। तो दे वोर देयर बेस्ट क्लोथ, और उन्होंने सब अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। एंड दे टॉक्ड लाफ्ड एंड सैंग एज दे वॉक टू द टाउन, वो बात कर रहे थे, हंस रहे थे और गाना गा रहे थे और चल चल के टाउन की तरफ जा रहे थे। तो देयर इज ए बिग फेयर इन द टाउन, उस गार्डनर ने बंदरों को बताया कि जो टाउन में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है एंड ये जो लोग हैं ये सब मेले में जा रहे हैं। एंड बट आई कैन नॉट, लेकिन मैं नहीं जा सकता। ही सैड इन सोरो, उसने दुख से ऐसे बोला कि ये लोग मेले में जा रहे हैं और मैं नहीं जा सकता। तो आई हैव टू वाटर द प्लांट्स, कि मुझे पौधों में पानी देना है। गो ऑफ टू द फेयर, सेड द मंकीज, मंकीज ने कहा कि तुम जाओ मेले में, तो वी विल वाटर योर प्लांट्स, कि हम तुम्हारे प्लांट्स में पानी दे देंगे। तो गार्डनर ने कहा ठीक है, थैंक यू वेरी मच माई फ्रेंड। और वो गार्डनर ने मंकीज को एक कुछ बकेट बाल्टी में पानी दिया और बोला प्लीज गिव ईच प्लांट जस्ट इनफ वाटर, नॉट टू लिटिल एंड नॉट टू मच, मीन्स कि तुम मेरे पौधों में थोड़ा पानी देना, ना तो बहुत कम हो और ना ही बहुत ज्यादा हो। तो आफ्टर ही लेफ्ट, जब वो चला गया तो ओल्डेस्ट मंकी, जो सबसे बूढ़ा मंकी था, उसने दूसरे छोटे मंकियों को बुलाया और बोला आओ आओ लेट्स स्टार्ट वाटरिंग द प्लांट्स, कि आओ हम पौधों में पानी देते हैं। ऐसा सुनकर वी मस्ट गिव जस्ट इनफ वाटर टू ईच प्लांट, नॉट टू मच एंड नॉट टू लिटिल, और बोला कि हमें पौधों में सिर्फ थोड़ा पानी देना है, ना तो बहुत कम देना है और ना ही बहुत ज्यादा देना है। तो हाउ कैन वी नो हाउ मच इज टू मच, आस्क्ड ए यंग मंकी, एक छोटे बंदर ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितना पानी ज्यादा नहीं है या कितना पानी कम नहीं है। तो दैट इज इजी, सेड द ओल्ड मंकी, उस बड़े मंकी ने कहा ये बहुत आसान है, हर एक पुल आउट ईच प्लांट, हर एक पौधे को खींचो एंड लुक एट द रूट्स केयरफुली, और उसकी जड़ों को ध्यान से देखो, मोर वाटर फॉर द लॉन्ग रूट्स एंड लेस वाटर फॉर द शॉर्ट रूट्स, जिनकी जड़ें लंबी हैं उनमें ज्यादा पानी देना और जिनकी जड़ें छोटी हैं उनमें कम पानी देना। तो मंकीज ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने सारे प्लांट्स उखाड़ गिरे और लुक एट द रूट्स और जड़ों को देखा, दे गिव मोर वाटर टू द प्लांट्स विद लॉन्ग रूट्स, उन्होंने जिन पेड़ों की लंबी जड़ें थी उनको ज्यादा पानी दिया और जिनकी जड़ें छोटी थी उनको कम पानी दिया। तो मंकीज वॉक्ड ऑल डे एंड देन सैट डाउन अंडर ए बिग शेडी ट्री एंड वेटेड फॉर द गार्डनर, वो बंदरों ने पूरा दिन काम किया और आखिरी में वो बड़े से पेड़ की छाया में बैठ गए और अपने माली का इंतजार करने लगे। व्हेन द गार्डनर केम बैक, जब वो माली वापिस आया मेले से, तो उसने देखा कि प्लांट्स रूटेड आउट, कि सारे जो पौधे हैं वो जमीन से उखड़ चुके हैं। He couldn't understand what he could do then, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। So he repented
फॉर लीविंग हिज वर्क फॉर हिज मेयर एंजॉयमेंट। तो अब क्या हुआ, उसे उसके उसने जो अपना काम था वो दूसरे के ऊपर सौंप दिया, जो कि उसका अपने मनोरंजन के लिए। अब वो पछता रहा था उसके लिए। तो बच्चों इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है कि वी शुड नॉट लीव आवर इम्पोर्टेंट ड्यूटीज ऑन ए फुलिश फेलो। कि हमें कभी भी अपने जो हमारे इम्पोर्टेंट काम होते हैं, इम्पोर्टेंट जिम्मेदारियां होती हैं, वो किसी भी मूर्ख व्यक्ति को, अपने मूर्ख साथी को नहीं सौंपना चाहिए। थैंक यू।